ये जो तस्वीर है जिसमें गहलोत जी और अडानी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक सवाल अभी गुम है, जी वो सवाल गुम है। कुछ तस्वीरें तो ये वाली भी हैं, कैसे? जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, प्लीज जरा तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें कभी प्लेन में, कभी प्रचार के दौरान प्लेन से उतरते हुए, कभी इन्वेस्टर मीट में हाथ मिलाते हुए, बहुत अच्छी बात है। अडानी जी का नाम आपने कहा ना कि उद्योगपति हैं, अच्छी बात है। 2014 में देश के रईसों की लिस्ट निकली तो अडानी जी का नाम खोजने से नहीं मिल रहा था। 2022 में वो देश के नहीं दुनिया के दूसरे नंबर के रईस बन गए। कुछ कहना चाहेंगे आप? दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, और कब किसकी ईश्वर लॉटरी निकालते पता नहीं होता। व्यापार सभी लगाते लगाते, लेकिन किसका व्यापार कब चमक जाए ये तो ईश्वर के ऊपर है। पर बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, उद्योग लगाते हैं, फ्लॉप भी हो जाते हैं और सक्सेसफुल भी हो नहीं, जाते आप हैं। कह रहे थे तो ना हम उनको ये 2014 से कहेंगे पहले हाँ ये क्या वो व्यापारी नहीं थे, तो मैंने पूछ लिया 2014 से पहले और 2014 के बाद, मोदी राज से जी पहले साल 2014 में फॉरवर्स इंडिया की एक रिपोर्ट छपी थी, और वो रिपोर्ट कहती है कि देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी थे 2014 में। वही अब मैं दूसरी तरफ बात कर रहा हूं, गौतम अडानी 11वें नंबर पे थे, 2014 की बात कर रहा हूं। 2014 के दौरान देश में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसके बाद से गौतम अडानी की संपत्ति में इजाफा हुआ। सिर्फ 2021 में ही, सिर्फ 2021 में ही गौतम अडानी ने लगभग 16 अरब डॉलर कमाए। भारत का एक इंसान विश्व का दूसरा प्रॉस्पेरस इंसान है, अमीर इंसान है, इस पे तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। लेकिन वो हमेशा इसलिए कोसते हैं क्योंकि मोदी जी का उनके ऊपर हाथ है। आप क्योंकि वो ये झूठ इंसान है, बोलते हैं प्रॉस्पेरस है, तो वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। सीमा जी, जब उन्होंने सीमा जी, इन्वेस्टमेंट मैंने इनके पूछा ये राज्य झूठ में बोलते हैं कहा क्या, ये झूठ बोलते हैं क्या, जी, ये झूठ बोलते हैं कौन कांग्रेस वाले? हाँ झूठ नहीं, ये खिसियाते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब इनके पास आ रही तो इनकी खिसियात खत्म हो गई। गौतम अडानी पर लगभग 2,60,000 करोड़ का कर्ज बताया जाता है। कितना? 2,60,000 करोड़ का कर्ज। नवी मुंबई एयरपोर्ट में 12,000 करोड़ का लोन लेते हैं और SBI रिटर्न ऑफ कर देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, यही सवाल खड़े करते हैं मैडम जो ये कांग्रेस वाले सवाल उठाते हैं, इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और बहुत ही मंजे हुए हैं। उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और किस चीज से सबसे ज्यादा तरक्की होगी। बाकी बैंक्स के लोन तो सब चलते रहते हैं। बैंक बिना, कोई भी एक उद्योगपति बिना बैंक के लोन के नहीं आगे बढ़ बिल्कुल सकता, सही चाहे वो कहा, छोटा हो या बड़ा लेकिन हो। वेव ऑफ भी हो जाता है, लोन वेव ऑफ भी हो जाता है कि ऐसा नहीं? नहीं है कि हर बार ही हो जाता है। अच्छा, इनकेस कभी 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 होता कोई है। ऐसी सिचुएशन आए तो एक बात अलग होती है कि कहीं कोई ऐसा जेन्युइन रीजन हो, वो तो किसी का भी हो सकता है अगर जेन्युइन ओके रीजन हो तो। ओके लेकिन ओके, ऐसा नहीं कि उन्हीं को हर बार उनका जो होता है लोन माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कभी कभी होता है। ओके।